गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका सब्जेक्ट टीचर यानी विषय अध्यापक। आज आपको एक बार फिर पथ की पहचान नामक चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो हम अभी पिछली वीडियो में यानी कल जो हमने पिछली वीडियो में वो पढ़ा था, उसी का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपने हो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ना वो चैप्टर ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसे ध्यानपूर्वक चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कहता है कि स्वप्न को न आने दे हृदय में, देखते हैं देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र और अपने समय में। देखिए स्वप्न क्या होता है, सपना क्या होता है बच्चों, सपना देखने चाहिए, सभी को सपने देखने चाहिए, क्योंकि सपने देखने का जो एक तरीका होता है उसे ये कहते हैं कि सपने को ना आँख खोल कर देखना चाहिए, क्योंकि सपने तो आने ही चाहिए। सपना क्या होता है कि हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ अपने जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है, तो उसके सपने हमें देखने चाहिए। कि कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, हृदय में आने देना चाहिए, हृदय मतलब अपने कहते हैं दिल के अंदर। देखते सब हैं अपनी उम्र और अपने समय पर, सभी अपनी अपनी उम्र पे और अपने अपने समय में सब देखते हैं। आपके सपने देखना कुछ है, मेरा सपना देखना कुछ है, और तू कर यत्न भी। यत्न मतलब क्या होता है बच्चों, यत्न मीन्स होता है प्रयत्न, यानी प्रयत्न यानी मेहनत कर, परिश्रम कर, मिल नहीं सकती सफलता। ऐसा नहीं है कि अगर तू प्रयत्न कर और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ देह नैनों के नियन में। कि मान लीजिए अगर आप कुछ यत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं हो सकता कि असफलता ना मिले, क्योंकि जो हमने अपने आँखों में देखा है वो निश्चय ही आपको वो पूरा होगा। किंतु जग के पंथ कहते हैं ना कि बच्चे इसमें क्या कहा, किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो। अगर सपना देखना है आपको, क्या देखना है बच्चों, सपन देखना है, तो वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। सपन पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। और हमें ना अक्सर ना स्वप्न पर ही प्रसन्न नहीं होना चाहिए। मुग्ध मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे प्रसन्न, हमें ना प्रसन्न ही नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने आज ऐसा सपना देखा, मैंने ऐसा सपना देखा कि मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, पर सत्य का भी ज्ञान होना चाहिए। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, कि हे पथिक चलने से पहले अपने पथ की पहचान कर ले। हमें ना अपने पथ की पहचान कर लेनी चाहिए, रास्ते पर सही तरीके से समझ लेना चाहिए। आगे क्या कहा बच्चों, ये जो आपका लास्ट पद है पांचवा, स्वप्न आता स्वर्ग का द्रग, करों में दीप्ति आती, पंख लग जाते हैं पगों पर, लाल लाल कृति उन्मुक्त छाती। कि जब मान लीजिए हमने कोई स्वप्न देखा, अब वो स्वप्न हमारा पूरा हो जाए, तो वो हमारे जीवन को ऐसा बदल देता है कि हमारे जीवन में क्या लग जाते हैं बच्चों, पंख लग जाते हैं। क्योंकि पंख लगने से क्या होता है, हम अंदर से प्रसन्न होते हैं, हमारी छाती प्रसन्न होती है, परिवार के व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। रास्ते का एक कांटा पाँव को दिल को कहते हैं, रास्ते में एक कांटा है, पाँव का दिल चीर देता है। मान लीजिए हम रास्ते पर चल रहे हैं, उसी पर ध्यान से देखा नहीं, पता चला कि हम बड़े खुश होकर चल रहे हैं और एक कांटा पैर में छुपा, रक्त मतलब खून की बूंद क्या हो जाती है, एक दुनिया सी डूब जाती है। पैर में एक छोटा सा कांटा छुपा, उसकी दो चार बूंद हमारे उससे निकली, ऐसा लगने लगता है कि जैसे मानो कि बहुत सारा खून हमारी पूरे शरीर से निकल गया, मानो हमारी दुनिया सी डूब गई। आंखों में हो स्वर्ग, लेकिन कहते हैं आंखों में हो स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब क्या होता है कि कुछ पाने की इच्छा, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, पृथ्वी पर हो टिके, कहते पाँव कहाँ हो पैर कहाँ पर टिके होने चाहिए बच्चों, पृथ्वी पर टिके होने चाहिए। सपना देखना चाहिए, बहुत सारी आँख खोलकर चीज़ें देखनी चाहिए, पर पृथ्वी पर रहकर टिक देखनी चाहिए, यानी कि बस हम उड़े जा रहे हैं सपने के चक्कर में। कंटकों की यही अनोखी कहते हैं, अनोखी जो कांटे होते हैं उनकी जो अगर हमने उसे अनदेखी कर दी ना, तो क्या होगा, सीख का सम्मान कर ले, यानी हमने क्या किया,
कि मान लीजिए हमने कांटे को नहीं देखा और हमारी अचानक भूल से क्या हुआ, उस पर पैर रखा गया और रखने से क्या हुआ, पैर में कांटा चुभ गया। ऐसी जो सीख हमें मिली कि हमें रास्ते पर चलते समय क्या करना चाहिए, कांटे को देखकर चलना चाहिए, साफ सुथरा देखकर चलना चाहिए और पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। बाट फिर कहता हूँ क्या मतलब होता है, रास्ता कहते हैं बच्चों, हमें अपना मार्ग वो क्या कह सकते हैं, मार्ग की पहचान कर लेनी चाहिए। बच्चों हमें अपने जीवन में कोई भी कार्य करना है उसकी हमें पहले ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए, चाहे अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, चाहे आप अगर कहूँ तो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो आपको ना अपनी अपनी सारी तैयारी अभी से ही कर लेनी है। जिस प्रकार आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन होता है तो उसकी तैयारी पहले से ही होनी शुरू हो जाती है और सही तरीके से उसकी पहचान करनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही बच्चों हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने रास्ते की सही से पहचान कर लेनी चाहिए कि मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना है, इस तरीके की बात करनी चाहिए। मैंने कहा था इस चैप्टर के लास्ट में आपके वर्ड मीनिंग दिए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक आप पढ़ें, यानी बटोही यात्री, बाट रास्ता, मुख मोम शांत, पंथी यात्रा, पथ मार्ग में चलने वाला व्यक्ति, चित मतलब होता है मनोयोग या निश्चित या मन ये भी कह सकते हैं, सरित नदियाँ या आप देखते हो गिरवर पहाड़, गिरवर मतलब होता है गड्ढे, यानी ये सारी चीज़ें इसमें बड़ी विस्तार पूर्वक आपको इसमें समझा रखी हैं। तो बच्चों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ें समझें और अपने जीवन में इस चैप्टर से कुछ शिक्षा ग्रहण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।